हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू स्पेशल फेस मास्क के बारे में जो कि आपकी स्किन के लिए परफेक्ट हैं। सबसे पहले अपने फेस को फेस मास्क लगाने से पहले प्रॉपरली क्लेंस या टोन करना चाहिए। उसके लिए आपको, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मिल्क यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या ऑयली है तो आपको रोज़ वाटर यूज़ करना चाहिए। मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ किया है क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। रोज़ वाटर और टिश्यू पेपर की हेल्प से मैंने अपने फेस को क्लेंस कर लिया है। उसके बाद अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो आपको ऑरेंज फेस मास्क लगाना चाहिए। उसके लिए आपको एक ऑरेंज लेना है और उसे अच्छे से पील ऑफ कर लीजिए। इतना मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ में चावल का आटा या बेसन, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले लीजिए। ऑरेंज के स्लाइसेस को मैंने अच्छे से स्क्वीज कर लिया है और उसका जो जूस है मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। एंड वाला, हमारा ये फेस मास्क रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो ये फेस मास्क आपके लिए बेस्ट हैं। आप चाहे तो लेमन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन लेमन जो है आपकी स्किन को थोड़ा ज़्यादा हार्म करता है। ऑरेंज आपकी स्किन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता आपकी स्किन पर और साथ में स्किन वाइटनिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, तो स्किन वाइटनिंग तो ये करता ही है। साथ में जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं, स्पेशली पिंपल्स के जो डार्क स्पॉट्स आपके फेस पर हो जाते हैं, उनको भी ये कम करने में हेल्प करता है। 15 से 20 मिनट अपने फेस पर रखिए और फिर नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप नोट कर पाओगे, अगर आप इसको 2 या 3 बार हफ्ते में यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये स्किन वाइटनिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। फ्रेंड्स, सेकेंड फेस मास्क उनके लिए है जिनकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है। उसके लिए मैं यहाँ पर 1/4 बनाना यूज़ कर रही हूँ और 4 चम्मच मिल्क मैंने यहाँ पर लिया है। इन दोनों को अच्छे से मैश कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी कम है इसलिए स्पून से हो जाता है। उसके बाद अपने फेस पर अच्छे से इसको अप्लाई कीजिए। ड्राई स्किन स्पेशली विंटर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसके लिए ये बनाना फेस मास्क बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हो, 1/2 स्पून हनी भी ऐड कर सकते हो अगर आपकी स्किन एक्सेस सेंसिटिव है या ड्राई है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो भी ये वाला फेस मास्क यानी बनाना फेस मास्क इजीली अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इसको आपको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड वाइट हो जाएगी कि आपको अपनी स्किन पर क्रीम भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिएगा, वॉर्म वाटर यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि वो आपकी स्किन को और ड्राई बनाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।